जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। मैं सौरभ और आप देख रहे हैं सोरिक मोटो वर्ल्ड। एंड गाइस मेरे पीछे आप देख पा रहे हो, दिस इज़ द ब्रांड न्यू 2022 बजाज पल्सर इनएस 125। और आज बेसिकली मैं इसका एक डिटेल वॉकअराउंड रिव्यू करने वाला हूँ। क्या है इस बाइक का स्पेसिफिकेशन 2022 में, इसमें आपको क्या नया अपडेट देखने को मिल रहा है, कितना प्राइस पॉइंट में ये 2022 में आ रहा है और कितना माइलेज इस बाइक से आपको मिल सकता है, सब कुछ डिटेल में आज इस वीडियो के दौरान मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगा। तो आई होप वीडियो जो है आप लोग पूरा लास्ट तक देखेंगे। एंड वेरी स्पेशल थैंक्स टू रोल्टा बजाज कोलकाता बागुइहाटी। आप अगर वेस्ट बंगाल के कोलकाता में रहने वाले हो, आपको अगर बजाज का कोई भी प्रोडक्ट देखना है, परचेस करना है या फिर टेस्ट राइड चाहिए, तो आप डेफिनेटली रोल्टा बजाज कोलकाता में आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। शोरूम का ऑल डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो जो है स्टार्ट करते चलिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस स्टार्ट करते हैं इसका कलर स्कीम से। तो 2022 में आपको टोटल 4 कलर मिलता है। तो ये जो आप देख पा रहे हो, दिस इज़ मैट रेड कलर, जो बर्न रेड इसको जो बोला जाता है, इसको छोड़ के ऑरेंज कलर आता है, बीच ब्लू आता है और एक जो है ग्रे कलर आता है। और इसका प्राइस जो है कलर के वाइज कोई भी प्राइस डिफरेंट आपको नहीं देखने को मिला। 2022 में अगर ऑन रोड प्राइस की बात करें तो 1,22,000 इसका कोलकाता ऑन रोड प्राइस। आपका स्टेट में इसका अगर ऑन रोड प्राइस जानना तो आप ज़रूर नीचे मेरे को कमेंट कर सकते हो। कमेंट के थ्रू मैं एक अप्रोक्स अमाउंट ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो अभी आते हैं इसका एक फ्रेश डिटेल्ड वॉकअराउंड पे। तो स्टार्ट करते हैं फ्रंट से एंड आगे मैं दिखा दूंगा 2022 में आपको क्या नया अपडेट देखने को मिल रहा है। तो स्टार्ट करते हैं फ्रंट से। तो फ्रंट की अगर बात करें तो यहाँ पर ऑल हैलोजन हेडलाइट सेटअप देखने को मिलता है। ये जो पायलट लैम्प देख पा रहा हूँ, ये भी आपको हैलोजन में मिलता है, मतलब बल्ब मिलता है। इग्निशन को ऑन करने से यहाँ पर कोई भी लाइट ऑन नहीं होता है, जब तक आप बाइक को स्टार्ट नहीं कर रहे हो तब तक ये पायलट लैम्प एंड जो लो बीम है ये भी ऑन नहीं होता है। इंडिकेटर जो है यहाँ पर आपको बल्ब टर्न इंडिकेटर दी गई है जो फ्लेक्सिबल है। और फ्रंट में आपको एक टिंटेड मीटर सील दी गई है बजाज का, यहाँ पर आपको लोगो मिलता है। नंबर प्लेट लगाने का जो जगह है यहाँ पर नंबर प्लेट लगता है। फ्रंट वाइजर की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको थोड़ा मैट रेड कलर में एक स्टिकरिंग दी गई है। और ये मेन जो पैनल है, ये पूरा आपको मैट ब्लैक कलर में मिलता है। अभी आते हैं मडगार्ड की तरफ। तो मडगार्ड की अगर बात करें तो फाइबर का मडगार्ड यहाँ पर बेसिकली यूज़ की गई है। और कार्बन फाइबर जो टेक्सचर, एक स्टिकर बेसिकली मडगार्ड के ऊपर दी गई है। प्लेन मडगार्ड है ब्लैक कलर में, मैट ब्लैक कलर में। रिफ्लेक्टर आपको सस्पेंशन के दोनों साइड पे देखने को मिल जाएगा। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दी गई है। और फ्रंट ब्रेक की अगर बात करें तो 240 mm का आपको डिस्क मिलता है विथ कॉम्बी ब्रेक सिस्टम के साथ। आप रियर ब्रेक जब अप्लाई करेंगे, फ्रंट ब्रेक जो है ऑटोमेटिक इंगेज होगा। और कैलिपर की अगर बात करें तो आई थिंक इसमें आपको एंड्योरेंस का कैलिपर यूज़ की गई है, जो बजाज का मैक्सिमम बाइक में देखने को मिलता है, क्योंकि कैलिपर के ऊपर कोई भी ब्रांडिंग यहाँ पर आपको नहीं देखने को मिलता है। डीप ग्रे कलर में आपको यहाँ पर रिम मिलता है, पूरा मेटालिक ग्रे कलर में रिम दी गई है। मैट रेड कलर में आपको रेसिंग स्ट्रिप मिलता है रिम के ऊपर। और फ्रंट टायर की अगर बात करें तो एमआरएफ नाइलो ग्रिप जैपर का टायर दी गई है। 80x117 का आपको ट्यूबलेस टायर मिलता है। और थोड़ा ऊपर की तरफ आते हैं तो 12 लीटर का यहाँ पर आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी दी गई है। और ये जो रेड कलर है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। NS200 में जो मैट रेड मिलता था वही काइंड ऑफ आपको सेम रेड कलर यहाँ पर आपको मिलता है। 3D में पल्सर का ब्रांडिंग आप यहाँ पर देख पा रहे हो। 125 का जो ब्रांडिंग है वो आपको साइड में मिलता है, जो स्टिकरिंग के थ्रू पूरा वाइट कलर में है। और इसमें भी आपको पेरीमीटर फ्रेम यूज़ की गई है, जिसके कारण ये बाइक का जो एगोनॉमिक्स है, बाइक का जो लुक्स है, जो स्टेबिलिटी है, बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है एक 125 सीसी बाइक के अंदर। और इसका का माइलेज की बात करें तो आप पकड़ के चलिए 50 km/h का माइलेज इस बाइक से आपको डेफिनेटली मिल सकता है। अभी आते हैं इंजन की तरफ। तो इंजन स्पेसिफिकेशन की अगर बात करें तो इसमें आपको 124.45 सीसी सिंगल सिलेंडर एयर कूल BS6 कंप्लाइंट SOSC 4-valve इंजन दी गई है। और इसका का पावर फिगर की बात करें तो आपको 12 PS का मैक्स पावर मिलता है। 11 Nm का आपको टॉर्क मिल जाता है इस इंजन से, जो 5-speed गियरबॉक्स के साथ आता है। DTSI ट्विन स्पार्क टेक्नोलॉजी, जो बजाज का पेटेंट है। बाकी किक स्टार्ट इसमें आपको मिलता है। लेग गार्ड जो है ये आप देख पा रहे हो, ये जो है एयर कूल्ड इंजन है, कोई भी रेडिएटर यहाँ पर आपको नहीं देखने को मिलता है। इंजन बैच प्लेट नीचे जो है ये भी आपको फाइबर में मिलता है, रेड एंड वाइट स्टिकर के साथ। कैटेलिटिक कन्वर्टर आप यहाँ पर देख पा रहे हो। और जो O2 सेंसर है यहाँ पर दी गई, रबर कोटेड आपको कास्ट एलुमिनियम फुटपैक भी दी गई है। प्रीमियम यहाँ पे बाइक को पूरी तरीके से बनाने की कोशिश की गई है।
और अभी आते हैं ग्राउंड क्लियरेंस की तरफ। तो 179 mm इस बाइक का ग्राउंड क्लियरेंस है। ग्राउंड क्लियरेंस मैसिव ग्राउंड क्लियरेंस है। सीट हाइट की बात करें तो अप्रॉक्स 805 mm इस बाइक का सीट हाइट है। वेट की बात करें तो 144 kg इस बाइक का वेट है। वेट थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन वेट के वजह से जो है ना बाइक बहुत ही ज़्यादा स्टेबल रहता है। और रियर सस्पेंशन एक बार दिखा देते हैं। सो दिस इज़ द नाइट्रोक्स गैस चार्ज मोनोशॉक एब्जॉर्बर विच इज़ एडजस्टेबल। आई थिंक ये 5 to 7 step एडजस्टेबल। यहाँ पर आपको रियर सस्पेंशन दी गई है, बॉक्स कटिंग स्विंग अप, यहाँ पर आप देख पा रहे हो। रियर पोर्शन में मैं बाद में आता हूँ, पहले आपको इधर से एक बार गियर बॉक्स और जो साइज 10 वाला नया अपडेट आपको दिखा देता हूँ। सो दिस इज़ द गियर बॉक्स, 5-speed गियर बॉक्स यहाँ पर दी गई है। टो शिफ्टर यूज़ की गई है। और 2022 में अगर अपडेट की बात करें तो इसमें आपको साइज 10 सेंसर मिल रहा है। तो बाइक अगर साइज 10 पे रहेगा, बाइक अगर गियर पे रहता है तो बाइक जो है आप जब स्टार्ट करोगे वो स्टार्ट नहीं होता है। मिडिल स्टैंड भी इसमें आपको मिलता है। सो आप यहाँ पर देख पा रहे हो, साइज 10 मिडिल स्टैंड दोनों स्टैंड ही मिलता है। अभी आते हैं सीट की तरफ, उसके पहले और एक चीज़ आपको दिखा देता हूँ। सो दिस इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर इंजन। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो फ्यूल ऑन ऑफ भी आप यहाँ पे कर सकते हो। बाकी ये पैनल वगैरह जो है ये भी आप देख सकते हो, मतलब मैक्सिमम चीज़ जो है पूरा NS 200 का रेप्लिका है यहाँ पर डेफिनेटली। और रियर पैनल भी आप यहाँ पर देख पा रहे हो, NS 125 का आपको स्टिकरिंग देखने को मिलता है। रेड वाइट एंड ब्लैक कलर में आपको बेसिकली यहाँ पर स्टिकर एंड कलर वर्क्स की गई है। और सीट की अगर बात करें तो सीट यहाँ पे आपको स्प्लिट सीट दी गई है। सो आप यहाँ पर देख पा रहे हो, सीट थोड़ा आपको मीडियम साइज मिलता है, ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। लॉन्ग राइड के लिए तो काफ़ी कंफर्टेबली आप राइड कर सकते हो, मतलब ये सीट का जो कंपाउंड है उसके हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। बाकी सीट थोड़ा आपको मीडियम साइज मिलता है। और टैंक पैड प्री इंस्टॉल कंपनी फिटेड आप यहाँ पर टैंक पैड देख पा रहे हो। बाकी सीट का जो स्पेस है बहुत स्पेस है। राइडर का सीट भी आप यहाँ पर देख पा रहे हो, पिलियन का सीट भी बहुत ही स्पेस है। स्प्लिट ग्रैब ग्रिल यहाँ पर दी गई है। और इग्निशन अभी चालू है, लेकिन ये टेल पोर्शन जो है मतलब टेल लाइट जो है ये ऑन नहीं है। ये आई थिंक BS6 के बाद से ये जो सिस्टम कंपनी ने दिया है। तो बेसिकली रियर में आपको LED टेल लाइट मिलता है। ये मैं आपको दिखा दूंगा जब बाइक को स्टार्ट करूंगा, डेफिनेटली दिखा दूंगा। बल्ब, टर्न इंडिकेटर और नंबर प्लेट का लाइट वो भी आपको बल्ब में मिलता है। और नंबर प्लेट लगाने का जो जगह है यहाँ पे नंबर प्लेट लगेगा, रिफ्लेक्टर यहाँ पर दी गई है। अभी आते हैं रियर की तरफ। तो रियर में आपको 130 mm का आपको ड्रम मिलता है। रियर टायर की अगर बात करें तो MRF नाइलो ग्रिप जैपर की टायर दी गई है। और इसका सेक्शन जो है 100/80/17 का आपको रियर टायर मिलता है, जो ट्यूबलेस टायर है। और बॉक्स कटिंग स्विंग आर्म आप यहाँ पर देख पा रहे हो, टायर हगर भी यहाँ पर आपको दी गई है। और ये जो मडगार्ड आप देख पा रहे हो, इसमें भी आपको थोड़ा कार्बन फाइबर टेक्सचर दी गई है। ओके, अभी आते हैं लेफ्ट साइड की तरफ। तो लेफ्ट साइड में इसमें आपको ओपन साइड चेन सेटअप मिलता है। तो लगभग हर 500 to 600 km के बाद आपको चेन वॉश एंड लुब्रिकेट करना पड़ेगा। बाकी सारी गार्ड तो इसमें आपको मिलता है, प्री इंस्टॉल मिलता है। ये सब जो एक्सेसरीज जो देख पा रहे हो, लेग गार्ड, सारी गार्ड, ये सब आपको प्री इंस्टॉल मिलता है, कंपनी फिटेड। अभी आते हैं हैंडल बार की तरफ। तो हैंडल बार एकदम आप यहाँ पर देख पा रहे हो, क्लिप ऑन हैंडल बार दी गई है। और जो NS 200, NS 160 में जो हैंडल बार मिलता है वही सेम हैंडल बार यहाँ पर यूज़ की गई है। बाकी स्विच पैनल वगैरह जो है वही सेम मिलता है आपको। और बैकलेट स्विच पैनल यहाँ पर दी गई है। तो बाइक जब स्टार्ट करूँगा ये जो है ये ब्लू कलर में, आई थिंक ये जो स्विच पैनल है ब्लू कलर में वो जल जाता है। इंजन किल स्विच मिलता है, सेल बटन और ग्रिप वगैरह जो है आप यहाँ पर देख पा रहे हो। कॉम्बी ब्रेक सिस्टम का जो मेकानिज़म है वो भी आप यहाँ पर देख पा रहे हो। ओके, और इधर आपको मिलता है हाई बीम लो बीम इंडिकेटर का स्विच और बीच में जो है कैंसिल बटन। और इधर हॉर्न बहुत लाउड है, एक बार सुना देता हूँ आपको, हॉर्न जो है बहुत ही लाउड है। और दिस इज़ द डिपर बटन। सो लाइट सेटअप एक बार आप देख सकते हो, हेलोजन हेडलाइट सेटअप। क्लच की अगर बात करते हो, क्लच लाइट है, 125 cc वाइज क्लच बहुत ही लाइट है। और मिरर जो है, मिरर भी आपको अच्छा खासा व्यू मिल जाता है, इस मिरर से कोई भी दिक्कत नहीं होता है। अभी आते हैं इंस्ट्रूमेंट कंसोल की तरफ, उसके पहले एक बार आपको की भी दिखा देते हैं बाइक का। सो की जो है यहाँ पर आपको वेब की नहीं मिलता है, लेकिन ये की का जो डिज़ाइन है आप यहाँ पर देख पा रहे हो, पल्सर का ब्रांडिंग है। और बाकी नॉर्मल की मिलता है। की को ऑन करते हैं तो बेसिकली यहाँ पर आपको टेल लाइट्स की अगर बात करें तो न्यूट्रल का सिग्नल, बैटरी, इधर बजाज का लोगो, इंजन माल फंक्शन और आई गेस इंडिकेटर का सिग्नल और डिपर का सिग्नल आप यहाँ पर देख पा रहे हो। ओके, और बीच में आपको मिलता है टैकोमीटर,
ये भी एक बार हटा के दिखा देता हूँ। सो बीच में आपको टैकोमीटर मिलता है, फ्यूल गेज उसके बगल में, इधर आपको मिलता है साइड स्टैंड इंडिकेटर, आपका साइड स्टैंड अगर गिरा रहेगा तो यहाँ पर शो करेगा, टाइम शो कर रहा है, स्पीड ओडो, और इसी में आपको ट्रिप वन ट्रिप टू इसी में आपको शो करता है, और सर्विस रिमाइंडर जो है वो भी यहाँ पे शो करता है। इसको एक बार बंद करके ऑन करके आपको दिखाता हूँ। सो आप देख पा रहे हो सर्विस रिमाइंडर, और ये जो लाइट जो है ऑरेंज कलर में, इनेस में आपको ब्लू मिलता था, मतलब इनेस 200 में आपको ब्लू कलर में ये जो लाइट है ये मिलता था, इनेस 160 एंड इनेस 125 में आपको ऑरेंज कलर में मिलता है, और दिस इज़ द हाई शिफ्ट RPM लिमिट। अभी फ़िलहाल इसको एक बार स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करके आपको एग्जॉस्ट नोट सुनाते हैं, और टेल जो लाइट है वो भी एक बार आपको दिखा देते हैं। सो एग्जॉस्ट के बारे में मैं आपको बताना भूल गया, तो इसमें आपको अंडरवेली एग्जॉस्ट मिलता है, आप साउंड सुन पा रहे हो, सो अंडरवेली एग्जॉस्ट मिलता है, और हेडलाइट सेटअप जो है यहाँ पर आप देख पा रहे हो हेडलाइट सेटअप, और दिस इज़ द बैकलाइट स्विच पैनल, वो जो आपको बोल रहा था बैकलाइट स्विच पैनल ये भी आप यहाँ पर देख पा रहे हो, और दिस इज़ द LED टेल लाइट। अभी बाइक में थोड़ा फ्यूल कम है तो बाइक को एक बार खड़ा कर देते हैं, अभी आप सुन सकते हो एग्जॉस्ट नोट, अभी फ्यूल थोड़ा बाइक में कम है तो मैं इसको रेप भी नहीं कर पा रहा हूँ। बाकी मैं इसका राइड रिव्यू किया था, आप लोग अगर वो राइड रिव्यू नहीं देखे तो आपको आई बटन से लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से राइड रिव्यू देख सकते हो। ये बाइक काफ़ी रिफाइन है, प्रीमियम बाइक है बजाज की तरफ से, लाइक 125cc सेगमेंट में। सो गाइस एग्जॉस्ट नोट कैसा लगा मेरे को अब ज़रूर कमेंट करके बताना, और एग्जॉस्ट जो है ना, दिस इज़ द अंडरवेली एग्जॉस्ट, ये जो आप देख पा रहे हो इनएस 160 इनएस 200 में जो एग्जॉस्ट मिलता है वही सेम एग्जॉस्ट यहाँ पर आपको दी गई है, अंडरवेली एग्जॉस्ट। और इसका जो बीच ब्लू कलर है ना, ये है इसका बीच ब्लू कलर, तो ये भी कलर बहुत ही खूबसूरत है, यूनिक कलर है। तो बाकी गाइस बोलिए आपको ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और आपका स्टेट में इसका अगर ऑनरोड प्राइस जानना है तो आप नीचे आपका स्टेट का नाम आप मेंशन कर सकते हो, अप्रोक्स अमाउंट जो है मैं आपको कमेंट के थ्रू जरूर आप लोग के साथ शेयर करूँगा, और मिलते हैं बहुत जल्द एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग सेफ रहे, टाटा गाइस बाय।